ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं, तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने, तुम अभी स्वर के लायक बन रहे हो। प्रश्न, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर, वो आंख बंद करके बाबा की सीमा पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत है, तुम ही ओ माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वो फालतू हो जाती है। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान है नहीं, भल कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह विमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं यह करता हूं। वास्तव में करती सब आत्माएं, शरीर तो आर्गन्स है। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रीकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पाठ बजाने के संस्कार है। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है, मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्माएं 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अपावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके, सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजा और प्रजा, उनों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना, फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वह सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है, कोई जल्दी मर न सके। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसी मेरी भी आत्मा है, तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते कि कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं हे पतित पावनाओ, अब वो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेज फुल। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे, फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं, वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वो नॉलेजफुल सदा पावन सुख का सागर, आनंद का सागर है। यह परम आत्मा की महिमा है ना।
अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं हैं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके, आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रही थे, अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, यह तो हो न सके। बाप कहते हैं कि मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने, मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता। मैं आता ही हूं नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने, प्राय देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रही थे, आते भी जरूर है, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वो कब आए यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं, जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तब ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे, युगे युगे तो नहीं आते। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। यह प्रायः देश है रावण का देश, परंतु यह कोई मनुष्य थोड़ी जानते कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं। पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझना है, फिर समझाना है को कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने, यह काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी होगा, जड़ जड़ी भूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है, शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। इसमें और प्रश्न उठ न सके, रास्ता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं सब मानते हैं, तो जरूर है तब तो मानते हैं, आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्यों को ये समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म बतन में आकर क्या करेंगे, जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, ब्रह्मा कौन है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वो निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन आर्गस द्वारा आत्मा पुकारती है, भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पाठ है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा, तो जरूर ड्रामा प्लेन अनुसार संकल्प उठा होगा।
आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको नई नई गुहे गुहे बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं, और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो जरूर सत्य बताएंगे, इसमें मुझने की भी बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं, कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते हैं। यदि स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझें कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पति दुनिया में तो कृष्ण आ नहीं सकता, यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है, पति दुनिया और पति शरीर में। बाप यह भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु दे अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा भी जानते हैं कि नंबर वार है, डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए, गुरु आदि के तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए। परंतु ऐसे नीचे बुद्धि है नहीं, भले उसमें नुकसान हो व फायदा हो मान लेना चाहिए, बल समझो नुकसान भी हो जाए फिर भी बाबा कहते हैं ना। हमेशा ऐसा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो, रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है, वो ठीक कर देंगे, कहेंगे कि मैं बैठा हूं। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रेस्पॉन्सिबल मैं हूं, तुम बच्चे फिकर नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी, निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा, जो सीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देवीमान बहुत रहता है, बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है, जो जितनी सीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है, सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है, परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी व्यक्ति है, माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, कई तो फिर करुणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना, ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं, फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की, कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में नूंधा हुआ है, यह नीचे वाला कभी हिलेगा नहीं, बहुत हिल जाते हैं, पिछाड़ी में जब भंबोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है, अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है, जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है,
सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था का अडोल बनाना है। जो सीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिकर नहीं करना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के बस न चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए, क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाए, तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। स्लोगन, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अच्छा, ओम शांति।